प्लीज जा प्लीज जा। पिज़्ज़ा 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 हट जावेंगा पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट जावेंगा 99 में खावे से उनसे दिल से मन से सबसे टेस्टी पिज्जा पिज्जा हट पोगलाम 99 के सापडला वेरुन 99 ரூபாய்க்கு அவங்க இவங்க ஜனங்க மனங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டேஸ்டி। बिना ब्रेड बिना मैदा बिना यीस्ट से बनने वाला ये पिज्जा अगर आप एक बार अपने बच्चों को खिला दोगे ना वो आपके फैन हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, घर पे इसका सारा सामान मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए थे, इनको छील लिया है और काट लिया है और अब मैं डाल रही हूँ इनको मिक्सी के जार में। तो अगर आप बड़ा आलू लें तो एक ही काफ़ी है, अगर मीडियम साइज के हैं तो 2 ले लें। इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च और बस इसको हम पीस के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए आलू अच्छे से पिस गया है, मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और अब हम इस पिसे हुए आलू में मिला देंगे 1 कप सूजी या रवा। तो ये नॉर्मल सूजी रवा है जो कि हम उपमा या हलवा बनाने में यूज़ करते हैं, और आधा कप दही। तो दही बहुत खट्टा भी नहीं है और दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी करीब आधा चम्मच नमक और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आलू का पेस्ट आप तभी बनाएं जब आप बैटर बनाने को या फिर ये नाश्ता बनाने को बिल्कुल तैयार हो, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। तो हम पहले इसको बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सर मैंने मिला लिया है पर ये मुझे थिक लग रहा है, तो ये जो जार था मैंने इसमें ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम इस मिक्सर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बैटर बना के तैयार कर लिया है और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, ना ही ये बहुत गाढ़ा है ना ही बहुत पतला। हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक मैं आपको थोड़ी सब्जियां दिखा देती हूँ। तो मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। तो आज हम 2 तरह से नाश्ते को बनाएंगे, इसलिए मैंने 2 अलग अलग तरह के प्याज ले लिए। ये थोड़े बड़े वाले सर्कल्स हैं प्याज के और ये थोड़े छोटे। यहाँ पे है टमाटर कटा हुआ, हैलपीनोज है और ये शिमला मिर्ची है, और आप इसके साथ साथ अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां और जैसे कि गाजर गोभी और भी मशरूम्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इस नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। बैटर को रखे हुए मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे और हम क्या करेंगे इसको बहुत अच्छे से अब मिला लेंगे। तो जितना अच्छा आपका बैटर फिटा होगा उतना ही बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होगा। तो इसको करीब आप 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इस तरह से चम्मच से या इस तरह से विस्क से अच्छे से मिला लें। तो ये देखिए मैंने सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि आज हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं आधा बैटर एक और बोल में निकाल देती हूँ और इस आधे बैटर में मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इनो। इनो नहीं है तो आप सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनो के ऊपर हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, मतलब 1 टीस्पून पानी डाल देंगे जिसे अच्छे से एक्टिवेट हो सके, और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए इनो डालते ही हमारा बैटर जो है कितना फ्लफी हो गया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, पैन को मैंने एकदम धीमी आंच पे गरम कर लिया है और इसमें हम बहुत थोड़ा सा तेल डाल देंगे और जो हमने बैटर बनाया है हम इसके इस तरह से एक एक लाइन डाल देंगे और इसको हल्का सा फैला देंगे। तो छोटा बड़ा आप जैसा फैलाना चाहते हो वैसा फैला दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनो उतने ही बैटर में मिलाएं जितना बैटर आपको इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे से इनके पैनकेक्स बना दिए और इनको करीब हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए ये वाला थोड़ा सा पक चुका है, हम इसको पलट देंगे। तो ध्यान रखिएगा गैस की जो फ्लेम है ना बिल्कुल धीमे रखनी है कि अभी हमें इस पर बहुत सारा काम करना है। तो हम मैंने यहाँ क्या किया है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप मायोनीज कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीज़। तो ये मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप, चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हो, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से प्याज, टमाटर थोड़े से, थोड़ा सा शिमला मिर्ची और हैलपीनोज। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और चीज़ जिससे और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, और इस पर डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और ये देखिए जो हमारे बाकी के बेस हैं वो बन के तैयार हैं, तो हम इनको भी पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम फटाफट सॉस लगा देंगे और इस पर भी चीज़ डाल देंगे। तो आज मैं आपको ये रेसिपी दूसरी तरह से भी बना के दिखाऊंगी, जिसमें कि जो लोग चीज़ नहीं खाते हैं वो इसको किस तरह से बनाते हैं। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप चीज़ वाला वर्जन और विदाउट चीज़ वाला वर्जन दोनों बना सकें। तो
ये देखिए मैंने बेसिक इनको बना लिया है और अब मैं इनको थोड़ा सा पास पास कर दूंगी जिससे कि मैं इनको कवर कर सकूँ। और बस हम इनको कवर कर देंगे और बस जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब बेस देखिए पूरी तरह से कुक हो गया है, ये बिल्कुल तैयार है और हम इसको निकाल लेते हैं। और आप ये खुद भी खाकर देखिएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। Say goodbye to boring ass pizza. Snag a dad win with Domino's new sauce bottom pizza. My mouth is blown. The sauce is on the bottom, so it can slam your flavor buds faster. You know what? I'm glad mom left. This pizza is so good. Dad, I'm gay. Yeah, that's how we do it.